दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर जाए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी सन फार्मा के बारे में। क्वार्टर फोर के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और अब आगे किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो कोविड की सिचुएशन चल रही है और लगातार इन कंपनियों के अंदर अब तक हमने उछाल देखा है और आगे उम्मीद भी यही कर सकते हैं कि इन कंपनियों के अंदर और भी हम लोग को उछाल देखने को मिले। तो मोमेंटम हाई दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर अच्छा खासा रुझान जिस तरीके से बना हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा है कि काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर हम लोग को खबरों के आधार पर रिएक्शन देखने को मिलता है, तो नतीजे आए हैं तो नतीजों के आधार पर भी आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए सावधानी के साथ में आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की तरफ से, जो हम लोग को फर्स्ट अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है वो ये है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए नजर आ रही है। ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया। ये अब नतीजे देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट कॉलम प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं, ये जो दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे हैं, और इसी तरीके से ये जो तीसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के नतीजे हैं। साथ ही में देख लेते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम की बात करते हैं तो लगभग 86,339 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रही है। आंकड़े सारे मिलियंस के अंदर हैं। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले क्वार्टर की तो लगभग 91,517 मिलियन के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको टोटल इनकम जो है हम लोग को कम दिखाई दे रही है। साथ ही अगर बात करें पिछले साल की तो लगभग 82,871 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रही थी, तो वहाँ से हम लोग को पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों अब एक्सपेंसेस के बारे में, तो कंपनी के खर्चे किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। 70,581 मिलियन के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में दिखाई दे रहे थे लगभग 69,886 मिलियन के आसपास। तो कहने का मतलब है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात करते हैं पिछले साल की तो लगभग 74,490 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहे थे, तो वहाँ से हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्चे हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो किस तरीके का दिखाई दे रहा है। लगभग 9,030 मिलियन के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तुलना करें तो गिरता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 21,630 मिलियन के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था, तो वहां से गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर बात करें पिछले साल की तो लगभग 5,774 मिलियन के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा था, वहां से तेजी के संकेत हमें कंपनी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, साथ ही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, लगभग 8,941 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहा है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रहा था लगभग 18,000 मिलियन के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां पर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात करते हैं पिछले साल की तो 3,998 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहा था, वहां से हमें तेजी के संकेत कंपनी के अंदर प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस का तो डेटा हम लोग को अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के अंदर हम लोग को हलचल देखने को मिल रही है। यहां पे एक पॉजिटिव चीज आपको और देखने को मिल रही है, वो ये है कि अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो हम लोग को इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए अब स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए ₹700.50 के आसपास दिखाई दे रहा है। कल की अगर बात करते हैं तो कल किस तरीके का एक्शन हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। नतीजे हम लोग को जो दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के तो ठीक ठाक हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हम लोग को जो है डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल क्या है कि आपको जिस तरीके से काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर इस समय हलचल हम लोग को देखने को मिल रही है, तो रिगार्डिंग डिविडेंड के बेस पे भी काफ़ी सारे जो है लोग खरीदारी करते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से स्टॉक्स के अंदर हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इस कंपनी को आखिर कोई खरीदना क्यों चाहेगा। देखिए फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, पूरा फार्मा सेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, लगातार चर्चाओं में है, कोविड की वजह से लगातार जो है हम लोग को इस शेयर के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है, बाकी की जो और कंपनी है उनके अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में तेजी का माहौल है, 1 महीने में तेजी का माहौल है, 6 महीने में ओवरऑल तेजी देखने को मिल रही है। एयरटेल डेट देखें तो तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है, पिछले 1 साल में लगातार अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। देखिए इस बीच में न जाने कितने क्वार्टर के नतीजे हम लोग को प्राप्त हुए हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हलचल एक तरफ है, बट कहने की जो हम लोगों की तैयारी होती है लॉन्ग टर्म की, हमें उस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चलना चाहिए। फिलहाल में देखा जाए तो पिछले 5 सालों में जो हमें गिरावट देखने को मिली थी, धीरे धीरे करके वापस से इसके अंदर हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला ऊपर की तरफ। अब देखिए लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं, किस तरीके की हिस्सेदारी हम लोग को देखने को मिल रही है। फिलहाल में अगर देखा जाए तो मार्च 2021 की होल्डिंग अपडेट हो चुकी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग हम लोग को दिखाई दे रही है लगभग 54.48% के आसपास। इसी तरीके से पिछले वाले क्वार्टर में देखें तो 54.48% के आसपास थी, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर कोई भी बदलाव हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव संकेत यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। साथ ही इसके अंदर हम लोग को एक और पॉजिटिव संकेत मिला है, वो ये है कि प्ले शेयर्स देखिएगा 9.01% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर 2020 में, और अगर अभी की बात करें तो 8.62% के आसपास देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम लोग को पॉजिटिव संकेत प्राप्त हुए हैं, कंपनी के अंदर हम लोग को मजबूती देखने को मिल रही है, प्रमोटर्स अपने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों विदेशी निवेशकों का रुझान जो है किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मार्च 2021 की अगर बात की जाए 11.67% के आसपास हम लोग को होल्डिंग दिखाई दे रही है। अगर पिछले वाले क्वार्टर को देखें तो 12.19% थी, उससे पहले 12.38% थी, उससे पहले 12.07% थी, उससे पहले 12.08% थी। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से लिटिल लिटिल आपको खरीदारी तो नहीं देखने को मिल रही है, बिकवाली इनकी तरफ से हम लोग को देखने को मिल रही है और हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ माल जो है FIs की तरफ से हम लोग को बेचा जा रहा है। अब बात करते हैं DIs की तरफ से हम लोग को किस तरीके के रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा उल्टा देखने को मिल रहा होगा, FIs एक तरफ हम लोग को बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर DIs देखें तो हम लोग को लगातार खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी की बात करते हैं मार्च 2021 21.62% के आसपास होल्डिंग आपको दिखाई दे रही, इससे पहले 20.84% के आसपास थी, इससे पहले 20.04% थी, इससे पहले 20.11, उससे पहले 19.56% के आसपास थी। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि DIs की तरफ से हम लोग को पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग हम लोग को किस तरीके से दिखाई दे रही है, तो रुझान यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, 12.23% के आसपास होल्डिंग दिखाई दे रही है मार्च 2021 में, इससे पहले लगभग 12.48% के आसपास निकल के आ रही थी। अदर्स की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2020 में हम लोग को होल्डिंग देखने को मिल रही थी 0.01% के आसपास, फिलहाल की डेट में कोई भी होल्डिंग हम लोग को नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए आगे किस तरीके का मोमेंटम हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। 707 रुपये के आसपास ओपन हुआ था, 709 रुपये की हाई बनी, 694 रुपये तक के लेवल आज के दिन हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं। क्लोजिंग देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर हम लोग को दिखाई दे रही है, 698 रुपये के लेवल बनते हुए रहे। अब अगर देखें तो लगभग 721 रुपये के आसपास ये स्टॉक्स गया था 11 मई 2021 को, उसके बाद इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली और 443 रुपये के आसपास हम लोग को नीचे देखने को मिल चुका है। अब अगर डिलीवरी पर गौर करें तो 24% के आसपास हम लोग को डिलीवरी देखने को मिल रही है आज के दिन। अब जो कंपनी ने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इसके लिए अभी कोई रिकॉर्ड डेट वगैरह इन्होंने डिक्लेयर की है या नहीं, तो फिलहाल की डेट में इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया है कि 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ को आपको सही तरीके से और समझ लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड ऑन और बिफोर अबाउट September 17, 2021। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलिएगा कि डिविडेंड जरूर डिक्लेयर करती हुई नजर आ रही है 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, रिकॉर्ड डेट का कोई ऐलान नहीं है। और ये जो डिविडेंड है कंपनी की तरफ से जो हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है ये 17 सितंबर 2021 से पहले पहले आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है। इसका ऐसा नहीं कि एकदम से आपको रिकॉर्ड डेट देखने को मिले, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर टाइम भी हम लोग को देखने को मिल सकता है जिस तरीके से फिलहाल की डेट में हम लोग को ये अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है।